मैं हूं अनवर खान, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ये थाना क्वारसी पर अभी हाल में ही एक आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक जो विक्टिम है उसके साथ 31 लाख रुपए की फर्जी वाड़े की उसने ये कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिस पर क्योंकि भारी नुकसान था और जनपद का जो साइबर सेल है उसने और थाना क्वारसी की टीम ने मिलकर इस पर काफ़ी अच्छा काम किया और टीम ने दबिश दी है दिल्ली में, जहाँ से जो मेन अभियुक्त हैं इसमें जिसमें कि दो नाइजीरियन हैं और एक इंडियन है, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल और फेक आईडीज और जो फर्जी दस्तावेज थे वो सभी बरामद हुए हैं। और साथ ही इसमें ध्यान देने की बात है कि ये जो नाइजीरियंस हैं ये लोग अपने वीज़ा के एक्सपायरी के बावजूद ये लोग रह रहे थे और इन्होंने फर्जी वीज़ा भी बना रखे हैं जो इनके पास ज़्यादा में बरामद हुए हैं। तो ये गंभीर आरोपों को देखते हुए इसमें फॉरनर्स एक्ट और 467 सभी आईपीसी की जो धाराएं हैं उनकी बढ़ोतरी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई। सर अभी तक इनसे कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए ये लोग साइबर फ्रॉड करते थे और काफ़ी बड़ी लगभग करोड़ों का इन्होंने साइबर फ्रॉड किया हुआ है, परंतु इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये लोग इस पैसे को या तो एटीएम के माध्यम से निकाल लेते थे या फिर ऑनलाइन ही इसको नाइजीरिया या फिर विदेशी लोकेशन थे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते। सर कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं? अब तक इस केस में जो विक्टिम है लगभग इसमें 20 से ज़्यादा विक्टिम हैं और भी चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं, तो अभी विवेचना जारी है, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी और भी इसमें अभियुक्त भी बनेंगे तो सभी की गिरफ्तारी उसी अनुसार की जाएगी। थैंक यू।